अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बानो चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज नहायत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पराठे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, चार कोने वाले पराठे। तो चलते हैं हम उसकी तैयारी की तरफ। आटे को मैंने नमक थोड़ा डाल के और थोड़ा तेल डाल के कुकिंग ऑयल डाल के गून लिया है। इसको न ज़्यादा नरम किया है न ज़्यादा सख्त किया है, इसको गून लिया है। अब 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। अब आपको मैं पेड़े बना के दिखाती हूँ। ये बहुत आराम से आप इसके पेड़े बनेंगे नरम नरम, क्योंकि मैंने 15-20 मिनट छोड़ दिए। और हम बहुत छोटे और चकोर पराठे बना रहे हैं, बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे बनाते हैं जो बहुत मज़े के लगते हैं खाने में और देखने में भी मज़े के और खूबसूरत लगते हैं। आप ये दो पराठे बना के दिखाऊंगी, चार कोने वाले, जिसको आप फ्राई भी कर सकते हैं और सिर्फ घी लगाकर भी रख सकते हैं। मैं इसकी जो है लोहे को बेलना शुरू करती हूँ, ठीक है। आटा देखिए, इतनी देर छोड़ देने से आटा नरम हो गया है बहुत, और बहुत अच्छा खस्ता हो गया है। अब आटे में हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। इसको लगा कर ज़्यादा बड़ी रोटी भी आप पूरी की तरह बेल सकती हैं। ये देखें, इस तरीके से किया, फिर इस तरीके से, ये देखिए कितने खूबसूरत बन गए छोटे छोटे। एक और मैं आपको बेल के दिखाऊंगी। जितनी बड़ी भी आप बनाना चाहें रोटी, उतनी बड़ी रोटी बना सकती हैं। और बहुत आराम से और आसानी से बना लें, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसको। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया है। ये देखिए, ये पूरे चार कोने बन गए बहुत अच्छे से। अब मैं आपको ये दो जो है पराठे बना के दिखाती हूँ। ये देखें कि मैं पराठे बना रही हूँ, मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये देखें, हमारे चार कोने वाले पराठे बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम इसको पकने के लिए तवे पे रख दिया हमने। इसके साथ ही हम, जब तक वो पक रही है, हम दूसरी पराठे को तैयार करेंगे। ये रोटी देखें, जब एक साइड से पक जाएगी तब हम इसको टर्न करेंगे। अभी एक साइड से हो गई है, हमने इसको टर्न कर दिया है। देखिए, वक्फे वक्फे से हम देखते रहेंगे कि ये तैयार हो गई है कि नहीं। अब हम इसको कुकिंग ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालिएगा, वरना वो तेल से तरबतर हो जाती है। बस इस तरीके से हल्की हल्की फ्राई करेंगे हम। ज़्यादा देखिए, मैंने कुकिंग ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है, और ना ज़्यादा बड़े पराठे बनाए हैं। मेरे घर में छोटे ही पराठे पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैंने छोटे की, क्योंकि खुद देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। बड़े तो सबके घरों में बनते हैं, इतने छोटे और खूबसूरत लग रहे होते हैं। आप ये देखें, इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी करेंगे हम। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो गए दोनों साइडों से। अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, हमने निकाल लिया इसको। अब हम दूसरा पराठा आपको बना के दिखाते हैं। इसको भी अब ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गए। इसको मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसको फ्राई नहीं करूँगी इसको, बल्कि इसके ऊपर हम खाली कुकिंग ऑयल हल्का सा लगा देंगे। इसको कहेंगे कि तहदार पराठा। वो चकोर पराठा था फ्राई वाला, और ये तहदार पराठा कहलाएगा। आप ये देखिए कितना अच्छा हो गया ये इधर से। बस इसको हम इसी तरह निकाल लेंगे। दूसरा पराठा मैंने फ्राई नहीं किया था, इसके ऊपर मैं ये देखिए कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। आप देसी घी भी लगा सकते हैं, अगर आप देसी घी पसंद करते हैं आप देसी घी भी लगा सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है, देसी घी लगाएंगे तो और भी खुशबू ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और मुझे अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।